सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ वन प्लस नॉर्ड सी ई थ्री लाइट 5G मोबाइल में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे। सो दोस्तों, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को यहाँ पर ओपन कर लेना है, और यहाँ पर जैसे मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से इंटरफेस, और यहाँ से जाना है आपको नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कर लेना है। और पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा फिंगरप्रिंट, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है, और फिंगरप्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी स्क्रीन लॉक पिन पासवर्ड पैटर्न लॉक जो भी बनाया है वो यहाँ पर डाल देना है। और डालने के बाद यहाँ पर आपको फिंगर जो सेंसर जो तो आपको उसमें फिंगर अपना टच कर लेना है। पर देखते हैं, मैं अपना फिंगर टच करूँगा यहाँ पर, तो इसी तरह आपको भी अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट ऐड कर लेना है। पर देखते हैं हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो रहा है दोस्तों, एक बार आप फिर से आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर से ऐड कर लेंगे, और जहाँ पर जैसे हमारा पूरा फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद डन कर देना है, और डन होने के बाद हमारा सक्सेसफुली डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा। और दिखा देता हूँ हमारे फिंगरप्रिंट लॉक सेट हुआ है दोस्तों, देखने के लिए यहाँ पर स्क्रीन को ऑफ करता हूँ, और ऑफ करने के बाद अपने फिंगर में फिर फिंगर को टच करूँगा, ये हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाता है। सो दोस्तों, इस तरह से आप वन प्लस नॉर्ड सी थ्री लाइट 5G मोबाइल में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।